सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। पिछले दिनों शिवपुरी जिले के भावखेड़ी में हुई दुखद घटना के बाद शिवपुरी पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बॉम्बे कोठी पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि भावखेड़ी में जो बच्चों की हत्या हुई वो काफी हृदय विदारक घटना है। उन्होंने अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। अभी दौरे पर निकलना है, वापस आकर पीड़ित परिवार को शिवपुरी में ही स्थापित करने की मांग करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री और जिले के प्रभारी प्रद्युमन सिंह तोमर भी उपस्थित थे। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उस परिवार ने क्या भावना मुझे प्रकट की है और मेरा काम है कि उनकी भावना के अनुरूप मुझे काम करना है, बस फुल स्टॉप। अब मैं नहीं कहना, इसमें नहीं लगना चाहता कि आपको क्या लग रहा है कि वहां क्या है, फिर आप कटाक्ष कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि वो स्थिति वहां नहीं है। मैं उसमें नहीं लगना चाहता। उस परिवार को एक सुरक्षित वातावरण में रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे कहा है कि हम चाहते हैं कि हम शिवपुरी में हमें बसाया जाए, जो उन्होंने कहा है उसका क्रियान्वयन करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैंने जो रात को सुना, मैंने रात को ही निर्णय लिया और आज होपफुली 1 बजे तक, जब तक 1.5 बजे तक मैं रुकवास से आऊंगा, उनको स्थापित अस्थायी रूप से स्थापित किया जाएगा और जब घर 1 महीने में बन जाएगा उनको घर में रखा जाएगा, जिसका राशि मैं अपने तरफ से अपने निजी राशि से दे रहा हूँ। शिवपुरी से प्रांजल भार्गव, सागर टीवी न्यूज। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।